चतरा जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा पर एक महिला ने घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कार्यालय के कर्मी की पत्नी है। वहीं इस बाबत डीएससी जितेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि पूर्व सहायक साधन सेवी सुधांशु चतुर्वेदी को चतरा से दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। बावजूद चतुर्वेदी हजारीबाग में योगदान न कर चतरा डीएससी कार्यालय में उपस्थित होकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि चतुर्वेदी का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है और इससे आक्रोशित होकर बकाया वेतन मांगते हुए गाली गलौज और हाथापाई करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इधर इस पूरे मामले में महिला थाना प्रभारी ने कहा कि हर संभावित पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी आरोप लगाया गया है वह बेबुनियाद है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई हो। डीएससी पे भी आरोप लगाया गया है जिसमें उनके उनके ऊपर छेड़खानी का अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उसके बाद आगे की जाँच करने के बाद आगे की प्रक्रिया